क्या बात है। नहीं, मेरे लिए तालियां नहीं बजाओ, आपको एक अच्छी बात बताने जा रहा हूं मैं। एमपी के अंदर में प्रचार बहुत हो रहा है, लेकिन बाबा की मेहर है, मेरा जन्म भी एमपी का ही है, अब हालांकि छत्तीसगढ़ हो गया रायगढ़। एक चीज प्रेमियों बताऊंगा, देखो मैं कोई भक्त नहीं हूं और मुझ में कोई बाबा नहीं आता, मैं कोई परिचय नहीं देता, अपना अटल विश्वास श्याम पर रखना। ये जो मुंडी घुमाने वाले बाबा मिलेंगे आपको बहुत कीर्तनों में, बहुत मिलेंगे, इनकी बात सुन लेना, लेकिन विश्वास सिर्फ और सिर्फ इस खाटू वाले का करना, इस बाबा का। बस अपनी नैया सौंपना तो इनको सौंपना, किसी इंसान को मत सौंपना प्रेमियों। इंसान रूपी बाबा को अपनी नाव मत सौंपना, डूब जाएगी। ये नजर नहीं आता, लेकिन विश्वास दिलाऊं, कसम खाकर कहता हूं, झूठ बोलूं तो बाबा जो सजा दे मुझे मुझे मंजूर है। ये नजर नहीं आता, लेकिन कसम से जिसने दिल से कह दिया कि बाबा मैं हार गया, बस इतना कहने की दरकार है, नजर नहीं आता, उसको घेर कर खड़ा हो जाता है कि आज के बाद तू अकेला नहीं है। आइए प्रेमियों, एक भजन ऐसा जिसने न जाने कितने टूटे हुए लोगों को जोड़ा, जिनकी ये रचना है वो आज हमारे बीच नहीं है, गंभीर जी बहराइच के, जिनकी इस रचना ने न जाने लाखों लोगों को, टूटे हुए लाखों लोगों को जोड़ा। इस फागुन के मेले में वो बाबा श्याम के चरणों में विलीन हो गए, लेकिन उनकी ये रचना अमिट है, और जब जब ये भजन गाया जाएगा तब तब बाबा श्याम के चरणों में उनकी हाजिरी लगती रहेगी प्रेमियों। आइए एफ। जय जय हेल्प हेल्प। देखिए एक किस्मत का मारा था, सब कुछ खत्म हो गया था जिसका। कोई अगर ऐसा बैठा है जो बहुत परेशान है, सुनना प्रेमियों, बिल्कुल सच्ची बात बता रहा हूं। एक ऐसा किस्मत का मारा जिसकी पूरी दुनिया उजड़ गई थी, सोने को हाथ लगाता मिट्टी हो जाता, रिश्तेदारों ने तो साथ छोड़ ही दिया, बीवी बच्चों ने भी ताना मारना शुरू कर दिया, किनारे कर लिया। उसके मन में आया कि जब तक मैं कमा कर ला रहा था तब तक सब मौज कर रहे थे, आज मेरे दिन बदले तो मेरी अपनी औलाद मेरी नहीं रही, तो इस दुनिया में जीने का क्या मतलब है। उसने सोचा खत्म कर दूंगा अपने आप को। एक रात को निकला जीवन लीला समाप्त करने के लिए, चलता चले जा रहा था उधेड़ बुन में कि अचानक आधी रात को एक आवाज आई, हारे के सहारे की। उसके कान खड़े हो गए, पांव रुक गए। उसने सोचा मुझसे बड़ा हारा तो दुनिया में कोई है ही नहीं, ये हारे का सहारा कौन पैदा हो गया। उसने सोचा चलो देखता हूं कौन है हारे का सहारा। आवाज के पीछे पीछे चला गया, एक बहुत सा बड़ा मैदान जैसा ये मैदान है, एक बहुत बड़े मैदान में एक दरबार लगा था जिसमें ऊपर जो विराजमान थे सिर्फ शीश नजर आ रहा था, हाथ पांव नजर नहीं आ रहे थे, और लोग पागलों की भांति जयकार लगा रहे थे, भजन गा रहे थे, नाच रहे थे, वो भी बिल्कुल पीछे बैठ गया। सारी रात कब निकल गई पता ही नहीं चला, लेकिन सारी रात में उसके शरीर में कुछ कुछ होने लगा,
सुबह जब आरती हुई ना, उसने बगल वाले से पूछा, भाई ये कौन है? उसने कहा, इसका नाम है जिंदगी पलटने वाला। बोला, समझा नहीं? श्याम प्रेमी ने कहा, जिसकी किस्मत साथ छोड़ देती है और वो इसके दरबार में जाकर सरेंडर कर देता है हाथ उठाकर, उसका नई किताब लिख देता है ये बाबा। परेशान आदमी ने पूछा कि कहां पर है ये मेरे बाप के बाबा? उसने कहा, खाटू धाम चले जाओ। उसकी आंख में आंसू आ गए। पीछे से मत चिल्लाओ भाई, पीछे से मत चिल्लाओ भाई, प्लीज। उसकी आंख में आंसू आ गए क्योंकि उसके पॉकेट में 10 रुपये भी नहीं थे। श्याम प्रेमी ने पूछा, क्या हुआ? कहा, तेरा बाबा बहुत दूर है, नहीं जा पाऊंगा। पॉकेट की तरफ इशारा किया। श्याम प्रेमी ने अपनी पॉकेट में हाथ डाला, जो कुछ मिला निकालकर उसे दे दिया। कहा, जा बाबा को जाकर सुना दे। प्रेमियों, जो खाटू जाते हैं ना, अभी 30% हाथ उठे ना कि हम नहीं गए, खाटू जाओ ना, एक एक को पकड़ कर एक नियम बना लो अपने अड़ोस पड़ोस का दरवाजा खटखटा कर कि मैं खाटू जा रहा हूं, चलोगे? एक को भी खाटू पहुंचा दिया ना आपने, आप बाबा की नजर में आ जाओगे। श्याम प्रेमी ने कहा, जा कह दे तेरा हाल बाबा को। उसने मरना वरना छोड़ दिया, निकल पड़ा बाबा के लिए। सारे रास्ते उधेड़बुन में था, ऐसा कौन सा दरबार है जो पहली बार में काम बनाता है। पूछते पूछते खाटू पहुंचा। बाबा के मंदिर की पहली सीढ़ी पर कदम रखते ही बदन में झुरझुरी पैदा हुई। एक मिनट के लिए रुका, फिर चढ़ता चला गया और जब बाबा के सामने पहुंचा, उसके होश उड़ गए। टकटकी लगाकर देखता रहा, देखता रहा, आंखों से आंसुओं का सैलाब बह निकला। अचानक उसे आवाज लगा कि कोई बोल रहा है, अरे पगले, सिर्फ आंसू ही बहाएगा या कुछ सुनाएगा भी? तब उसने बाबा के सामने अपना हाल बयां किया और कहा, बाबा लाख चाहूं मगर बात बनती नहीं, क्या करूं? नाव भटके मेरी पार लगती नहीं, क्या करूं? कैसे नैया होगी पार, टूट गई पतवार, कैसे नैया होगी पार, टूट गई पतवार। ओ श्याम, अब हाथ तो आके लगा जा, हारे के पीछे वालों आप भी बोलो 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 बोलो, हारे हम तो खड़े तेरे द्वार, सुन ले करुण पुकार। हम तो खड़े तेरे द्वार, सुन ले करुण पुकार। हारे के सहारे आजा। जिनके 500 का जुगाड़ नहीं है ना, उनको कहता हूँ आज इस पर छोड़ दो। एक वक्त मेरा भी था जब मेरे पास 5 रुपये का जुगाड़ नहीं था, मुझे भी किसी ने कहा और मैंने भी इसके हाथ में अपनी नाव दे दी। आज बाबा की इतनी कृपा है कि रखने की जगह नहीं है। पूरे पूरे हाथ उठाओ, पूरे पूरे, जिसको भरोसा है और जोरदार तालियां बजाकर बोलना, हारे के सहारे आजा, तेरा दास।
पुकारे आजा, हारे के सहारे आजा, तेरा दास पुकारे आजा। कैसे होगी सरकार तेरे होते मेरी हार, कैसे होगी सरकार अगर तेरे होते हार गया बाबा तो कल से तुझे कोई हारे का सारा नहीं कहेगा। तेरे होते मेरी हार कैसे होगी सरकार तेरे होते मेरी हार कैसे होगी सरकार। हो श्याम अब आके तू धीर बना जा, अब तो शाम मैं शरण तेरी, लो आ गया अब तो शाम मैं शरण तेरी, 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 ओ मैं शरण तेरी। और उसने कहा बाबा ये ढोल को थोड़ा कम करो, खाली ढोल की आवाज आ रही है। उसने कहा बाबा शरण में तो आपकी आ गया मैं, लेकिन कैसे आया जाने कहां कहां पर भटका तेरा दीवाना, तेरा दीवाना। दर ये तुम्हारा बाबा मेरा आखिरी ठिकाना, दर ये तुम्हारा बाबा मेरा आखिरी ठिकाना। जिस पे किया भरोसा उसने ही आंख फेरी, जिस पे भरोसा उसने ही आंख फेरी। लो आ गया अब तो शाम मैं शरण तेरी। कौन कौन बाबा की शरण में है, कौन कौन
तेरे चरणों में है अब गुजारा मेरा सांवरे, तेरे चरणों में है अब गुजारा मेरा सांवरे। किसके किसका 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 गुजारा है बाबा के चरणों में, ये तालियां बजाओ ना। गंभीर एक बार आजा लीले पे सवार, आजा बाबा एक बार होके लीले पे सवार, ओ श्याम आके मोर छड़ी लहरा जा। सहारे आजा तेरा दास पुकारे आजा, हारे के सहारे आजा। देखो भजन खत्म हो गया, भजन खत्म हो गया। कौन कौन हारा हुआ है और कौन कौन इस हारे के सहारे को बुलाएगा, मैं माइक में नहीं बोलूंगा, पूरी इटारसी से पूरी ताकत लगाकर बोलेंगे। क्या हारे सहारे आजा, हारे के सहारे आजा।